दोस्तों आज की कहानी डेडिकेटेड है मयंक को, मयंक यानी कि चंद्रमा। अगर आप मयंक को इमेजिन करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक पतला दुबला सा बच्चा, लंबी लंबी टांगों वाला और बहुत ही नॉटी और अपने मम्मी पापा और बड़े भाई का बहुत ही फेवरेट बच्चा, लाड़ प्यार से पला बड़ा और संस्कारों से पूरी तरह से लैस, यानी कि संस्कारों से भी भरा हुआ। और उसका रीज़न ये रहा दोस्तों, क्योंकि उनके घर में कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स थे। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी है, टीवी वगैरह बहुत कम देखना है और मतलब रिश्तेदारी निभानी है, सब लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आना है। और इन सब चीज़ों के साथ जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ लगती थी वो थी उनकी भाषा। जी हाँ दोस्तों, लखनवी भाषा का पुट जो उनके बोलने में आता था, जो उनकी बोली में आता था, वो उससे उनकी पर्सनालिटी को और निखार देता था। दोस्तों चार लोगों का परिवार और ऐसे में मीता उनकी जो सिस्टर होती है हायर स्टडीज के लिए उनके शहर में पढ़ने आती हैं और हॉस्टल ना मिलने की वजह से कुछ समय उसको अपने भाइयों के साथ ही बिताना पड़ता है। कहानी मजेदार तब बनती है दोस्तों जब मीता को, क्योंकि उस घर में कोई लड़की नहीं है तो सब नर्वस हैं, सब परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि एक जब एक यंग लड़की की मतलब क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसको किन किन चीज़ों का की आवश्यकता हो सकती है, क्या करें। तो ऐसे में मयंक के जो पापा हैं वो पूरी तरह से इस जिम्मेवारी को ले लेते हैं और हर चीज़ का, एक छोटी छोटी कमियों का उसका ख्याल रखते हैं, उसके सारे अरेंजमेंट करते हैं और दोनों भाइयों को ये काम सौंप देते हैं कि तुमने अपनी बहन का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना है। बड़ा भाई जो सौरभ है दोस्तों, वो काफ़ी सीरियस है, कम बोलता है और उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। वही मयंक जो है वो नॉटी है, खूब बोलना पसंद करता है और पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। अपनी माँ का बहुत लाडला है और सबसे ज़्यादा डर अगर सौरभ या मीता डरते हैं मयंक के किसी आदत से, तो वो उसकी आदत होती है अपनी माँ को हर चीज़ की, छोटी छोटी बातों की खबर देना, और इसीलिए अपने काफ़ी सारे सीक्रेट्स को दोनों भाई बहन छुपाते हैं उससे। खैर दोस्तों, ऐसे ही एक इंसिडेंट में जब मीता को उसका एक अलग रूम दिया जाता है कि बेटा जितने दिन अब आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, आपने हमारे साथ ही रहना है, और उसको एक बड़े से कमरे में बेड लगा दी जाती है उसकी और उसको बोला जाता है कि तुम आज से यहीं सोओगी। मीता दोस्तों जो बचपन से कभी अकेली नहीं सोई और उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे बहुत डर लगता है, उसे अंधेरे से डर लगता है और सच बताऊँ तो उसे भूतों से डर लगता है। लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मीता अपनी आंखें बंद नहीं करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने आंखें बंद करी तो कोई ना कोई भूत उसके पास जरूर आएगा और उसे डराएगा। ऐसे में जब उसे इतने बड़े कमरे में अकेले सोना पड़ता है दोस्तों, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। सुबह बहुत जल्दी उठ के उसे कॉलेज जाना होता है, वहाँ उसे पढ़ाई करनी होती है और रात होते ही उसकी टेंशन शुरू हो जाती है कि अब वो सोएगी कैसे। एक हफ्ता किसी तरीके से वो जाग जाग के निकालती है दोस्तों और अब उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और ऐसे में मयंक होता है जो उसकी उसको अंडरस्टैंड करता है और उसे लगता है कि कोई चीज़ मीता के साथ ऐसी हो रही है जिससे वो बहुत परेशान है और वो हम लोगों से डिस्कस नहीं कर रही है। वो उसे शाम के टाइम पे छत पे लेके जाता है और बोलता है कि दीदी मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दीदी उससे डिस्कस करती है कि मयंक मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत डरती हूँ और मुझे रात रात को नींद नहीं आ रही है। मयंक कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से सुन के चला जाता है। जैसे ही रात का टाइम आता है और अब दीदी बहुत टेंशन में बैठी है कि उसे अकेले सोना है, ऐसे में मयंक के मम्मी पापा आते हैं और उसको बोलते हैं बेटा आज से तुम जो है दोनों भाइयों के साथ रूम शेयर करोगी, आज से तुम अकेले नहीं सोओगी, और खूब हंसने लगते हैं। मयंक पीछे से उसको थम्स अप करता है और कहता है देख दीदी मैंने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। जी हाँ दोस्तों, और उस दिन से तीनों भाई बहन एक ही रूम शेयर करते हैं और रूम शेयर करने के बाद उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों छोटे भाई बहन मिलके बड़े भाई को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे,
क्योंकि वो पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। और ऐसे में दोनों भाई बहन चुपके चुपके अपनी बातें अपनी गप्पे मारते हैं, और वहां से मयंक और मीता की एक बहुत प्यारी दोस्ती शुरू होती है। दोस्तों, मयंक को लाइफ में पहली बार कोई दीदी मिली है और जिसके साथ वो हर चीज अपनी डिस्कस करना चाहता है। स्कूल जाने से पहले के किस्से, स्कूल से आने के बाद के किस्से, छोटी छोटी किस्से कहानियां, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो अपनी दीदी से डिस्कस करता है, और दीदी से भी ये रिक्वेस्ट करता है कि वो भी अपनी बातें उससे शेयर करे। लेकिन दीदी यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रखती है, वो सुनती सब है, एडवाइस भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसकी लाइफ में क्या हो रहा है वो बहुत संभल कर मयंक के साथ डिस्कस करती है दोस्तों, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मयंक के पेट में कोई बात पचती नहीं है, वो हर बात अपने मम्मी पापा से शेयर कर देता है, और इस चीज के डर से सब लोग उससे थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। लाइफ बहुत कूल चलती है दोस्तों, और फाइनली मीता को एक स्कूटी दी जाती है कि अब तुम इससे अपने कॉलेज आया जाया करोगी, चाहे तुम यहाँ रहो चाहे हॉस्टल में रहो। चैलेंज होता है कि मीता को स्कूटी चलाना सिखाएगा कौन, क्योंकि उसने कभी स्कूटी को हाथ तक नहीं लगाया होता, और ये जिम्मेवारी फिर से लेता है मयंक। और जब पहली ही राइड दोनों दोस्तों करते हैं और मयंक उसको सिखाने के बाद उसको ड्राइवर सीट में बैठा के पीछे खुद बैठ जाता है, तो उसका एंड बहुत प्यारा होता है दोस्तों। वो दोनों सीधे जाके जहां मीता को ब्रेक लगाना होता है वो एक्सीलेटर दबा देती है, और थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वो एक पूरी भरी हुई कांटों भरी झाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। मीता तो किसी तरह से वहां से भाग निकलती है, लेकिन बेचारा मयंक पूरे कांटों से झुलस जाता है, और अब मीता को बहुत डर लग रहा है कि घर जाके ये किस तरीके से ये वाली कहानी अपने घर में एक्सप्लेन करेगा और मीता को कितनी बड़ी डांट लगने वाली है। लेकिन दोस्तों पहली बार वो इस सीक्रेट को छुपाता है और अपने घाव जो उसको लगे हैं उसको भी छुपाता है और कहता है बहन तू चिंता मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। स्कूटर में भी एक दो खरोचे आ जाती है जिसका इल्जाम वो अपने ऊपर ले लेता है। इस तरीके से बहुत प्यारा रिलेशनशिप डेवलप होता है तीनों भाई बहनों के बीच में दोस्तों, और बहुत प्यारी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं दोस्तों कि एक किस तरीके से एक नॉटी बच्चा, एक फन लविंग बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा किस तरीके से लाइफ में वो चेंज हो जाता है किस सिचुएशन की वजह से, और वो सिचुएशन ये होती है दोस्तों कि डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है। बड़े भैया की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं रहते इस दुनिया में, और ये जो एक इंसिडेंट होता है इस परिवार के साथ ये उस परिवार की पूरी लाइफ को टोटली बदल देती है। मीता उस घर में रह नहीं पाती, उसे हर पल अपने भाई की याद आती है, और वो अपने भाई और उनके मम्मी पापा की सैडनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो हॉस्टल चली जाती है दोस्तों, और वहां से वो अपने भाई के संपर्क में रहती है, और यहाँ एक बच्चा जो बहुत लाड़ प्यार से पला, जो बहुत नॉटी था, जो ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं लेता था, सडनली लाइफ में एक जिम्मेवार बच्चा बन जाता है। वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सैडनेस को, जिस तरह से वो अपने भाई को मिस करता है, उन सब चीजों को छुपाता है, अपने अंदर रखता है, और अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, उनकी छोटी छोटी चीजों में उनका साथ देता है, उनके साथ बातें करता है, और अपनी बहन से सारी चीजें डिस्कस करता है। मीता की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो शहर को छोड़कर चली जाती है दोस्तों, और वहां मयंक अपनी एजुकेशन पूरी करके अपने पापा के साथ ही उनके बिजनेस में उनका साथ देता है। धीरे धीरे अब वो बड़ा हो गया है और घर में उसकी शादी की बातें चलती दोस्तों। उनके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहते, और इसके बाद मयंक की जिम्मेवारियां और बढ़ती हैं। वो शादी करता है, शादी करने के बाद उसका एक बहुत प्यारा सा बेटा होता है, और अब जो उसकी एक दुनिया है वो उसकी मम्मी, उसकी वाइफ और उसके बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। वो बहुत मेहनत करता है, अपने दोस्त के साथ बिजनेस करता है, और उस बिजनेस को खूब अच्छी तरीके से आगे ले जाता है। बहुत सालों बाद दोबारा से अब मीता का भी अपना परिवार है, वो दूसरे शहर में रहती है, और एक फंक्शन में दोनों की दोबारा से मुलाकात होती है। मीता अपने किसी काम से उसी शहर में जाती है वापस, और चुपके से अपने भाई को फोन करती है कि भाई मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ।
दोनों भाई बहन मिलते हैं दोस्तों, और बिल्कुल उसी तरीके से मिलते हैं जैसे वो पहले रहा करते थे। अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, वो अपनी बहन को अपनी बड़ी सी गाड़ी में पूरा शहर घुमाता है और उसे दिखाता है कि देख बहन ये ऐसा था, ये अब ऐसा हो गया है, पूरा इंट्रोड्यूस कराता है उस शहर से, और उसके बाद अपनी मम्मी से मिलाने के लिए ले जाता है। बहुत अच्छा लगता है मीता का जो ध्यान होता है वो अपने भाई की बातों में कम और उसकी मैच्योरिटी लेवल पे जाता जाता है। बस एक चीज उसको खटकती है कि समय के साथ कहीं ना कहीं उसको पान खाने की आदत हो चुकी है, और पान मीता भी खाती है लेकिन उतना ही खाती है जितना जरूरत होता है। लेकिन मयंक को एक तरह का एडिक्शन हो चुका है पान खाने का, और इस चीज को लेके मीता बहुत ज्यादा चिंतित रहती है और उसे हर वक्त टोकती रहती है कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं तुझे इस पान के साथ नहीं देखना चाहूंगी, और वो भी अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि मैं इसको छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। दोनों की जर्नी बहुत अच्छी रहती है दोस्तों, और जब मीता की शाम की फ्लाइट होती है और वो अपने घर वापस जा रही होती है, तो एक जिम्मेवार भाई की तरह, वो भाई जो मीता के साथ जाकर उसी के पैसे से चाट पकौड़े खा लिया करता था बचपन में, आज एक बड़ा भाई बनकर, जबकि वो मीता से छोटा है, आज एक बड़ा भाई बनकर वो उसके फेवरेट मिठाइयाँ उसके लिए मार्केट से लेके आता है, उसकी फेवरेट ड्रेस उसके लिए लेके आता है, और जाते समय एक पेरेंट की तरह, एक परिवार की तरह उसके हाथ में उसका सामान दे के कहता है, उसके सिर पे हाथ रखता है और कहता है बहन खुश रहना, लाइफ में बहुत तरक्की करना। मीता बहुत इमोशनल हो जाती है दोस्तों, और अपने आंसुओं को छुपाकर अपने भाई के अच्छे से गाल पकड़ के उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि भाई अगली बार ये आशीर्वाद बिना पान खाए हुए मुंह से मुझे देना, तब मैं तेरे आशीर्वाद को फॉलो करूंगी, और फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों इस कहानी को सुनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ज़रूरी नहीं होता है कि रिश्तेदारी निभाने के लिए आपका सगा होना जरूरी है। कई बारी दो कजन्स के बीच में भी इतना अच्छा प्यार होता है, इतना अच्छा मतलब एक रिश्ता होता है जो सगे से सगे शायद भाई बहनों में भी नहीं। और किस तरीके से लाइफ आपको आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे मोड़ आएंगे, जिस नेचर को लेके आप पैदा हुए हैं उसी नेचर में आप हमेशा रह पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मैं आपसे यही विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, आपको मयंक की कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्दी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।